अधिकारियों की हलचल और सारे लोग खाली कराए आ रहा है और कोई स्पेशल व्यक्ति लग रहा है आ रहा है, देखिए पूरे लोगों को खाली कराया गया और यहाँ पे थोड़ी हलचल से आप जैसा कि देख सकते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम लोग फिर से एक बार आ चुके हैं गदोलिया चौराहे पर और आज आपको दिखाएंगे हमारे महाशिवरात्रि की जो तैयारी है। हमारे बनारस में जोरों शोरों से तीन चार दिनों से चल रही थी जो कि मैंने वीडियो लगातार बनाने की कोशिश की और आपको दिखाया भी। तो आज हम लोग दिखाएंगे गेट नंबर 4 का जो है ना पूरा नजारा, क्या है व्यवस्था प्रशासन की इस बार की और रास्ते भर में किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई है। और आपको मैं बता दूं जानकारी के लिए, आज से ही हमारे बनारस में शिवरात्रि की भीड़ होनी शुरू हो चुकी है। लाखों दर्शनार्थी आज ही जो है बनारस में आ चुके हैं और कल भी आते ही रहेंगे, आज दिन भर रोज लोग आते ही रहेंगे यहाँ पे। और आप लोग भी तैयार हो जाइए महाशिवरात्रि मनाने के लिए और आज दिखाते हैं आपको यहाँ की तैयारी फिलहाल। और पूरी वीडियो बने रहिए, जो भी मेरे चैनल पर है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए चलते हैं अब हम लोग गेट नंबर 4 की तरफ और रास्ते पर जो भी व्यवस्था है वो आपको दिखाते हुए चले। तो अब हम लोग हैं अभी गदोलिया चौराहे पर, आप सामने देख सकते हैं नंदी सेक्टर और आप देख सकते हैं यहाँ का पूरा नजारा। आप देखिए चारों तरफ जो है बांस की जो है लकड़ियां लगा दी गई हैं। कल यहाँ कोई भी गाड़ी नहीं दिखेगी और कोई भी फोर व्हीलर टू व्हीलर कुछ भी नहीं दिखेगा यहाँ पे। और आप अभी गदोलिया चौराहे का पूरा नजारा देखिए, काफी बेहतरीन लग रहा है देखने में और काफी अच्छा है। और चलिए आपको मैं जानकारी के लिए बेसिक बता दूं, ये रास्ता देख रहे हैं ये चल जाएगा रास्ता सुबह और ये वाला रास्ता देख रहे हैं ये चल जाएगा आपका 80 और ये वाला रास्ता देख सकते हैं ये चला जाएगा आपका गिरजाघर चौराहा। और हम लोग को इसी मार्ग से हम लोग को जाना है, तो हम लोग चलेंगे इस तरफ और दिखाएंगे पूरा यहाँ का नजारा क्या है व्यवस्था। और आपको यहाँ भी दिखा दूँ, वो देखिए बांस लगा हुआ पूरा और साइड से पूरा बांस को बांधा गया है ताकि लोग एक लाइन से लगा करके चले। और चलिए चलते हैं आगे की व्यवस्था दिखाते हैं आपको क्या है पूरी व्यवस्था। आप सब बने रहेगा पूरी वीडियो में और वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज चैनल को लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब तो करिएगा ही आप सब। देखिए ये पूरी लगा दी गई है स्टील की रेलिंग, आप सब देख सकते हैं। तो आप सब जैसा कि देख सकते हैं हम लोग हैं मारवाड़ी हॉस्पिटल के पास और ये देखिए आप लोग स्टील की पूरी रेलिंग लगा दी गई है और दर्शनार्थी जो है इसी लाइन से एक लाइन से होते हुए उधर से ही चलेंगे। और आज की आप भीड़ देख सकते हैं, आज ही हमारे बनारस में भीड़ होनी शुरू हो चुकी है। और मैं बाकी लोगों को बता दूं इस रास्ते पर बहुत सारे होटल्स हैं, आप लोग वाराणसी आइए इन होटल्स में रुकिए आराम से बाबा के दर्शन करिए और जाइए। फिर देखिए आप किस तरीके की तैयारी की गई है, पूरा आप देख सकते हैं पूरा बांध गली लगा करके पूरा ऐसे रेडी किया गया है। आप पूरी तैयारी देखिए, मैं आपको इधर से दिखाता हूँ और मैं इसी के अंदर से चलता हूँ। ये देखिए आप सब, ये पूरी आप देख सकते हैं तैयारी, ये पूरा बांस लगाया गया है यहाँ पर और इसी में से लोग जो है एक लाइन से होते हुए चलेंगे ताकि उन रास्ते पर में किसी को तकलीफ ना हो, किसी प्रकार का जाम ना लग सके। और ये पूरा बनाया गया है वेरी कटिंग, इसी के बीच से होकर लोग बाबा के दर्शन के लिए जाएंगे। अब हम निकलते हैं बाहर और दिखाते हैं पूरा बाहर से इसका नजारा। मैंने आपको थोड़ी सी झलक इसके अंदर की दिखाई, आप देख सकते हैं किस प्रकार से इसे बनाया गया है कि लोग जो है आराम से दर्शन करने के लिए लाइन बाय लाइन जा सके बाबा के। और हम लोग यहाँ से पूरा चलेंगे अभी 4 नंबर गेट तक और वहाँ का पूरा हम जो है आपको नज़ारा दिखाएंगे जो कि काफ़ी बेहतरीन होने वाला है। कल है महाशिवरात्रि, आप सब भी तैयार हो जाइए हमारे भोले बाबा की नगरी में महाशिवरात्रि मनाने के लिए। देखिए रोड में बहुत सारी दुकानें लग चुकी हैं। फिलहाल मैं बता दूं राष्ट्रपति जी आए थे, आई थी हमारे
बनारस में और उन्होंने दर्शन किया बाबा विश्वनाथ के और आरती देखी। बहुत प्रसन्नता हुई हम लोगों को कि हमारे भारत के राष्ट्रपति जो हैं वो हमारे बनारस में आई। बहुत बहुत स्वागत था उनका इस वाराणसी में। और फिलहाल देखिए आप सब पूरी तैयारी यहाँ की, पूरा रोड पर जो है इसी प्रकार से गेट नंबर 4 तक पूरा रेलिंग लगाया गया है, आप सब देख सकते हैं। विजयपुरी साफ सफाई नगर निगम के लोग कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि सरकार से रेलिंग लगाई जा रही है। एक चीज मैं बताऊं, यहाँ रेलिंग लग रही है तो भंडारा में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन बाबा का दर्शन महत्वपूर्ण है, इसको मद्देनजर रखते हुए एक दो दिन की दुकानदारी लोगों की नहीं भी होगी कोई बात नहीं, लेकिन बाबा का दर्शन तो महत्वपूर्ण है ना। सबसे बड़ी बाबा की हमारे वेडिंग है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और महाशिवरात्रि का हम सबको हर साल बेसब्री से इंतजार होता है। आप देख सकते हैं ये भी गेट है, यहाँ से भी जा सकते हैं लोग। और आप देख सकते हैं कितनी दूर तक पूरी रेलिंग लगाई गई है, इस पूरी व्यवस्था को कायम किया सरकार ने और बाकायदा बड़े अच्छे से जो है इसे पूर्ण भी किया जाएगा, हम उम्मीद रखते हैं हम लोग। देखिए आज का पूरा व्यवस्था, मैं आपको पैदल वॉक करते ही हूँ लेके चल रहा हूँ पूरे 4 नंबर गेट पर। अगर यहाँ देखिए कचौड़ी बिकती है, ये बहुत फेमस कचौड़ी की दुकान है। ये दुकान मैं बता दूँ वहाँ लगती थी लेकिन आज यहाँ पे लगी है। वो कारण ये है कि इधर रेलिंग लगा हुआ है, इस वजह से इधर लगाना पड़ा इनको, तो ये दिक्कतें होती है थोड़ी बहुत, लेकिन फिलहाल ये 2 दिन की बात है। उसके बाद फिर व्यस्त की तरह व्यवस्था जैसी थी लोगों की दुकान लगाने की वैसे ही हो जाएगी। तो बस हम लोग पहुंचने वाले हैं गेट नंबर 4 तक और आपको दिखाएंगे पूरा नज़ारा। आप देख सकते हैं कितना वाराणसी में हमारे भीड़ हो चुका है और काफ़ी लोग आ रहे हैं। हम लोग बस पहुंचने वाले हैं गेट नंबर 4 के पास और दिखाएंगे पूरा नज़ारा। आई होप आप सबको देख करके काफ़ी अच्छा लगेगा। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं हम लोग आ गए हैं गेट नंबर 4 के पास और अरे की तरह साइड में माला की शॉप देख रहे हैं आप सब। और ये है बाबा विश्वनाथ मंदिर का गेट नंबर 4 जो कि आप सामने देख सकते हैं और हमेशा की तरह आपको भीड़ देखते होगी, लेकिन मुझे आज ये महसूस हो रहा है कि यहाँ पे आज ज़्यादा भीड़ हर रोज के मुकाबले। और मैं आपको दिखाऊं, आप देखिए यहाँ की तैयारियाँ, यहाँ भी बैरिकेडिंग तो लगी रहती है फिलहाल। और चलिए अब जानते हैं आज की क्या है व्यवस्था और फिर आपको बताते हैं कि किस प्रकार से यहाँ दर्शन कल किया जाएगा। तो आपने यहाँ देखी पूरी व्यवस्था जो कि यहाँ की व्यवस्था है और मैं आपको बता दूं कि कल की क्या व्यवस्थाएं रहेंगी वो अब मैं आपको बताता हूँ। तो कल की व्यवस्थाएं ये रहेंगी दर्शन करने की कि आप जो है जो टाइमिंग थी कि सुबह 4 से लेकर रात के 11 बजे तक, तो आज के लिए मैं बता दूं कि आज जो है मंदिर में दर्शन होना शुरू हो चुका है फिलहाल। और कल की क्या तैयारियाँ होगी, कल सुबह से ही मंदिर जो खुल जाएगा तो कल है बाबा की शादी, तो इसलिए कल रात भर जो है मंदिर बंद ही नहीं होगा, वो अगले दिन बंद होगा और पूरा रात भर दर्शन चलेगा। आप सभी इनवाइटेड हैं, आराम से आइए दर्शन करिए, पूरा रात मंदिर खुला रहेगा। केवल कल, क्योंकि कल महाशिवरात्रि है तो आप कल बड़े आसानी से दर्शन कर सकते हैं। जैसा कि मैं गेट नंबर 4 पर हूँ और आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि किस प्रकार से आपको दर्शन करना है। लाइन बाय लाइन आना है, ये आप देख रहे हैं ये VIP गेट है, तो इस गेट से तो आप नहीं जा पाएंगे कल, और वहाँ पे गेट है पीछे, वहाँ गेट से आपको जाना है। बाकायदा मंदिर के अंदर भी लॉकर है, वहाँ भी रख सकते हैं आप सामान, और
बाहर भी लॉकर है, तो मंदिर के अंदर आप भी प्रसाद भी ले सकते हैं और बाहर भी प्रसाद ले सकते हैं, दोनों ही व्यवस्थाएं आपको यहाँ मिल जाएंगी। तो आपका जहाँ भी इच्छा हो आप वहाँ प्रसाद लीजिए और अपना सामान जो है वही रखिए। और मंदिर के अंदर मैं बेसिक चीज़ें बता दूँ, मोबाइल या पर्स या कुछ भी ये सब कुछ भी नहीं जाएगा वहाँ पर, तो ये सब का चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो बल्कि आप घर से ही चलिए तो या होटल में आप आते हैं रुकते हैं तो वहीं पर आप सारी चीज़ों को रख दीजिए, क्योंकि आपको यहाँ लाना व्यर्थ है, मतलब यहाँ रख नहीं पाएंगे आप, दिक्कत ही होगा क्योंकि कल लाखों की संख्या में भीड़ होगी। तो ये थी बेसिक सी जानकारी जो कि मैंने दर्शन करने के लिए आप सभी को बताई। तो आई होप ये पूरा डिटेल आपको अच्छा लगा हो, और वीडियो अच्छी लगी तो लोगों तक शेयर करिए ताकि आज ही लोगों को पता चल जाए कि हमारे बाबा विश्वनाथ में दर्शन करने की किस प्रकार से तैयारी चल रही है और कितनी भव्यता है इस तैयारियाँ में। और मैं धन्यवाद करता हूँ प्रशासन का कि उन्होंने इस प्रकार से इस व्यवस्था को कायम रखने की कोशिश की है और पूरा सहयोग दे रहे हैं लोग, तो इन लोगों का धन्यवाद। तो आई होप आप सबको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा। तो जैसा कि आप ये मार्ग देख सकते हैं, ये चला जाएगा मैदागिन और देखिए प्रशासन एकदम टाइट है, आप देख सकते हैं लोग तैनात है, आज से ही व्यवस्था में लग चुके हैं पूरा प्रशासन। और ये रहा मंदिर का 4 नंबर गेट, हमेशा की तरह भव्य दिखने वाला जो गेट बना हुआ है हमारे प्रशासन ने बनवाया है गेट को। तो आई होप ये पूरी जानकारी आप सबको काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ लग रहा है प्रशासन की गाड़ी आ रही है, लेकिन कुछ अधिकारियों की हलचल और सारे लोग खाली कराया जा रहा है और कोई स्पेशल व्यक्ति लग रहा है आ रहा है, देखिए पूरे लोगों को खाली कराया गया और यहाँ पे थोड़ी हलचल से आप जैसा कि देख सकते हैं। और ये देखिए कोई अधिकारी आए हुए हैं या कोई VVIP, उनके लिए गाड़ी खाली, मतलब पूरा रास्ता जो है खाली करा दिया गया है। और आप देख सकते हैं शायद इसी में कोई ऐसे बैठे हुए हैं जो कि दर्शन करने के लिए आए हुए हैं, देखिए उनकी गाड़ी को अच्छे से लगाया जा रहा है। ये बेसिकली हाई कोर्ट के जज है, जैसा कि मैं बता दूं उस ब्लैक कलर की गाड़ी में, और वो आए हैं इसीलिए जो है ये रास्ता थोड़ा सा खाली कराया गया। देखिए अभी वो बाहर भी निकलेगा, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, वो देखिए वो है हाई कोर्ट के जज साहब, जैसा कि आप देख सकते हैं। और आज की भव्य तैयारी क्योंकि आपको काफी पसंद आई होगी, और इसी तरीके से VIP लोगों की एंट्री होती है, आप देखें अभी थोड़ी देर पहले। और यह है बाबा का मेन द्वार 4 नंबर गेट। अब ये आप जैसे लोगों के VIP लोगों के लिए जो है गेट खोला जाता है, मैं बता दूँ, और वो लोग अंदर जाएंगे अभी। तो आई होप गाइस वीडियो आपको अच्छी लगी हो और ये 4 नंबर गेट की व्यवस्था देखकर आपको काफी अच्छा लगा हो, और आप आइए बनारस में आराम से दर्शन करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, प्रशासन ने बिल्कुल अच्छी व्यवस्था की है यहाँ पे। और आई होप पूरी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को जरूर आप सब शेयर जरूर करिए लोगों में ताकि पता चल पाए हमारे बनारस की किस प्रकार की तैयारी है। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, इसलिए के साथ तब तक के लिए हर हर महादेव।